अभी तकरीबन तय है कि बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन महीने भर पहले ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन निवास यानी कि रिट्रीट में उन्हें विजिट करने की इजाजत नहीं मिली। और किस्मत का खेल देखिए, जिस जगह को देखने भर की इजाजत उन्हें नहीं मिली, अब राष्ट्रपति बनने के बाद वो उनका निवास हो जाएगा और वो अपनी मर्जी के हिसाब से वहां कभी भी जा सकते हैं। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना करीब करीब तय है, आंकड़े साफ साफ उनके पक्ष में हैं। बिहार के गवर्नर रहे रामनाथ कोविंद की किस्मत ने कैसे पलटी खाई, इसकी एक मिसाल अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ये इमारत बन गई है। राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास यानी राष्ट्रपति रिट्रीट, महीना भर पहले ही रामनाथ कोविंद को यहाँ एंट्री नहीं मिल पाई। और किस्मत का खेल देखिए, जिस जगह को देखने भर की इजाजत उन्हें नहीं मिली, अब राष्ट्रपति बनने के बाद वो उनका निवास हो जाएगा और वो अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी वहां जा सकते हैं। दरअसल हुआ यूं कि रामनाथ कोविंद मई महीने में शिमला गए थे। इस दौरान वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के आधिकारिक मेहमान थे। उस दौरान कोविंद ने शिमला के नजदीक मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन आवास को विजिट करने की इच्छा जताई थी। रिट्रीट विजिट करने की इजाजत दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन से लेनी होती है, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली और क्योंकि उनके पास इसकी इजाजत नहीं थी, लिहाजा उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। अब आपको ये बताते हैं कि ये जगह इतनी अहम क्यों है और रामनाथ कोविंद यहाँ क्यों जाना चाहते थे। देश में राष्ट्रपति के दो रिट्रीट हैं, उत्तर में शिमला और दक्षिण में हैदराबाद। शिमला के नजदीक मशोबरा राष्ट्रपति रिट्रीट है। ये राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास है। इस भवन का अधिग्रहण 1895 में वायसराय ने किया। राष्ट्रपति साल में कम से कम एक बार इस रिट्रीट में जाते हैं। रिट्रीट में उनके प्रवास के दौरान उनका मुख्य कार्यालय यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। ये बेहद सुंदर जगह पर बनाया गया है। शिमला रिस्टॉप से 1000 वर्ग फुट ऊंचा है ये रिट्रीट। आर्किटेक्ट और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। ये दाजी दीवार के साथ पूरी तरह लकड़ी के ढांचे से बना हुआ है। 1850 में इस भवन को बनाया गया था। ये 10628 वर्ग फीट एरिया में बनाया गया है। हालांकि शिमला में जो कुछ भी उनके साथ हुआ, इसको लेकर रामनाथ कोविंद ने न शिकवा किया और न ही शिकायत, लेकिन ये कुदरत का ही इंसाफ है कि इजाजत चाहने वाला अब इजाजत देने वाला बनने जा रहा है। शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया।